हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, वीडियो में हम ऑटोकैड में आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो होंगे ऑटोकैड के ऊपर होंगे। ऑटोकैड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मोल्ड डिजाइन करते हो या आप डाई डिजाइन करते हो, हमेशा वायर कार्ड फाइल जो है ऑटोकैड में करना पड़ता है। और जो भी क्रिटिकल डायमेंशनिंग होती है और जो भी आपके मान लेते हो जो भी जीडीएनटी होती है, मैक्सिमम काम हम ऑटोकैड में करते हैं। तो ऑटोकैड में जो आज का ड्राइंग होगा आइसोमेट्रिक के ऊपर, कहीं भी इंटरव्यू में आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने देते हैं ऑटोकैड में, वो भी आपको बनाना आना चाहिए। तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं कैसे इस तरीके से ड्राइंग बनाते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं कोई डिटेलिंग की बात करूँ, जैसे हम ऑटोकैड में कोई भी चीज़ का डिटेलिंग करते हैं, जैसे मेरा ये ड्राइंग है, तो इस ड्राइंग में मैंने डिटेलिंग करा है। बहुत कुछ सारा चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। इस डिटेलिंग में जैसे भी आप काम करोगे तो वो सारा चीज़ें किस में करना पड़ता है, ऑटोकैड में। तो ऑटोकैड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा, जैसे आप, मैं दिखा देता हूँ आपको मेरा फ्लिप लॉक कैप है, जो मैं इसकी डिटेलिंग कराऊँ ऑटोकैड में कराऊँ। आप देखोगे इस तरीके से जो डिटेलिंग करते हैं ना, हमारे एक चीज़ का डिटेलिंग करते हैं, आप देख पा रहे हो, तो वो ऑटोकैड में करना पड़ता है। कुछ कुछ चीज़ें हम इसकी व्यू निकाल के, तो जैसे मैं यहाँ पे बॉम वगैरह बना रहा हूँ, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हर एक प्लेट की मैं यहाँ पे नंबरिंग डायमेंशनिंग वगैरह कर रखा हूँ, जो भी है एक एक चीज़ का, तो वो डिटेलिंग वगैरह हम क्या करते हैं ऑटोकैड में करते हैं। तो ऑटोकैड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऑटोकैड में भी कुछ क्लास वगैरह ले करूँगा ऑटोकैड, क्योंकि ऑटोकैड में भी बहुत सारा काम आपको आना चाहिए। कभी भी आप इंटरव्यू वगैरह में जाओगे, जहाँ पे कुछ कुछ आप देखते हैं डाई में, मैक्सिमम काम एनएक्स में नहीं करते, वो भी प्लेट वगैरह स्लिप प्लेट वगैरह वो ऑटोकैड में निकालते हैं। तो इस केस में आपको बहुत हेल्प हो जाएंगे आप डिटेलिंग वगैरह निकलने के लिए और डायमेंशनिंग वगैरह निकलने के लिए। आप देख पा रहे हो, है ना, हर एक चीज़ का मैंने कैसे डायमेंशनिंग वगैरह करा है, हर एक प्लेट का मैं डिटेल वगैरह दे रखा हो। तो इस तरीके से जो है हम ऑटोकैड में भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, मैं ऑटोकैड का 3-4 क्लास ले लूँगा, उसके ऊपर आपको सारा चीज़ें कवर हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है आइसोमेट्रिक के ऊपर है। आइसोमेट्रिक बोले तो जैसे हम कोई भी आर्टिकल बनाते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है, तो मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ एक बार। जो भी मेरा आर्टिकल है, उस आर्टिकल के ऊपर जो भी हम डायमेंशनिंग वगैरह करते हैं, कैसे ऑटोकैड में करना होगा, अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में होगा तो इसकी हम डायमेंशनिंग थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो में वही चीज़ें बताऊंगा। आइसोमेट्रिक में आपको डायमेंशनिंग, जैसे ये आर्टिकल डायमेंशन है, ये इंक्लाइन डायमेंशन है ना, ये इंक्लाइन डायमेंशन है। तो इंक्लाइन डायमेंशन और वर्टिकल, जैसे यहाँ पे इंक्लाइन है, उसकी डायमेंशन अलग है, ये देखो आपकी टिल्ट हो रखा है, ये आपको वर्टिकल हो रखा है, तो उसको कैसे चेंज करना है, क्या क्या तरीका होता है। जैसे आप सर्कल बनाते हो, आइसोमेट्रिक में हम सर्कल से नहीं बनाते, कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, वो कैसे बनाना है उसके बारे में बताऊंगा। तो हर एक चीज़ें मैं इसके जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है तरीका जो है, मैं उसमें बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना है। तो उस तरीके से ड्राइंग बना पाओगे तो आगे आपका इस तरीके से ड्राइंग बनाने में आपको ईजी होंगे। हर एक प्लेट की आप डिटेलिंग कर सकते हो, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके, जैसे मैं यहाँ पे कलर कोड से रिप्रेजेंट करा हूँ, हर एक कलर कोड का यहाँ पे हम लेयर बना रखे हैं, वो लेयर से भी आप देख सकते हो। तो वो सिर्फ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो मेरा ऑब्जेक्ट है, 3D मॉडलिंग है। तो 3D मॉडलिंग में सबसे पहले आपको ये देखना है मैक्सिमम डायमेंशन आप कहाँ से ले रहा है, किस पॉइंट से यहाँ पे मैक्सिमम डायमेंशन शो कर रहा है। तो आप देखोगे मैक्सिमम डायमेंशन मेरा यहाँ से एक शो हो रहा है और यहाँ से शो हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो भी आर्टिकल बना रहा है वो सेंटर ऑफ द पार्ट बनाना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द पार्ट मेरा कौन सी हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो हम इसको मास्टर लेके हम बाकी डायमेंशन करेंगे। और जो ये आइसोमेट्रिक आपका ड्राइंग है, उस ड्राइंग को ऑटोकैड में कैसे बनाना है वो तरीका मैं सिखाऊंगा, इसकी शॉर्टकट कैसे यूज करना है वो तरीका सिखाऊंगा मैं, और इसकी डायमेंशनिंग जो होता है थोड़ा अलग तरीके से होता है। आपका, आपको पता होंगे जैसे ये डायमेंशन है, ये क्या हुआ, लेटा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन देखो, यहाँ पे डायमेंशन क्या हुआ है, खड़ा हुआ है, तो ये लेटा हुआ डायमेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे डायमेंशन क्या है, 45 आपका स्ट्रेट नहीं आ रहा है, इंक्लाइन आ रही है। तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन होता है। जब भी आप कोई भी आप ड्राइंग को, अगर आप मान लो कोई भी ड्राइंग हो, आप अच्छा मोल्ड डिजाइनर हो या अच्छा डाई डिजाइनर हो, कोई भी डायमेंशनिंग शो करते हो, तो इसके ऊपर भी आपको सारा चीज़ें पता होना चाहिए मैं किस तरीके से ये डायमेंशनिंग करूँगा, क्योंकि इसके डायमेंशन का मीनिंग अलग हो जाएगा, इसका इसकी वर्टिकल, इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो ये डायमेंशन क्या होता है ना, कभी कभी आप रिप्रेजेंट करते हो ना, तो वो उस तरीका भी सही होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज़ें बताऊंगा आपको, क्योंकि देखो ऑटोकैड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी वायर कट फाइल बनाते हो तो आपको, या कोई भी फाइल की डिटेलिंग करते हो, तो कुछ कुछ चीज़ें ऑटोकैड में भी करना पड़ता है। तो ऑटोकैड आपको आना कंपलसरी है, जिसको भी नहीं आता है ऑटोकैड में थोड़ा ध्यान दे दे, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे दो सर्कल है, दो सर्कल लेने से पहले आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, आइसो ड्रॉप इसको ऑन कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पे जाके इसको मैं ऑन कर लूँगा। जैसे ऑन करूँगा, इसका 3 प्लेन आता है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। आइसो इंक्लाइन प्लेन जो होता है लेफ्ट, आइसो इंक्लाइन आइसो प्लेन टॉप और आइसो प्लेन राइट, 3 प्लेन में होता है। फिलहाल जो हम राइट प्लेन में है, इसको सेंस करने के लिए आप FN F5 का यूज़ कर सकते हो। FN F5 करके इसको हम राइट लेफ्ट सेंस कर सकते हैं, ठीक है।
F5 मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, अगर आपके पास कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में आपका F5 डायरेक्ट F5 दबा के भी उसको सेंस कर सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सर्कल लूंगा। सर्कल आपको यहाँ से सर्कल लेना नहीं होता, जो आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग होती है उसके सर्कल आपको एक्सिस एन से लेना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद जो है आइसो सर्कल लेना है। देखो मैं कहीं से भी सेंटर ले रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो सेंटर लेने के बाद देखो मेरा जो सर्कल आ रहा है ऐसे आ रहा है, तो ये सर्कल गलत है। हम क्या करूंगा, मैं इसकी डायमीटर अगर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डायमीटर सिलेक्ट करके भी आप दे सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको F5 दबा के इसको मैं सेंस कर सकता हूँ, लाइक इस तरीके से। मेरा कौन सी वाला सही है, मेरे को ये वाला सही है, ठीक है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा। क्लियर? तो उसको सिलेक्ट करने से पहले मेरे को एक लाइन लेना है, जैसे यहाँ पे कितना है, 60 डायमीटर का है और यहाँ पे 40 डायमीटर का है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, एक मैं सेंटर पॉइंट लूंगा और उस पॉइंट से मैं कितने का रखूंगा, उस पॉइंट से मैं कितना रखूंगा, 30 का डायमीटर है ना, मैं 60 का है तो 30 का मैं लूंगा, क्योंकि मैं रेडियस ले रहा हूँ। और अगेंस्ट हम जो यहाँ पे है, इसके बाद जो है इसको हम यहाँ पे लेंगे, ये कितने का लूंगा, ये 20 का लूंगा, क्योंकि सॉरी 2 नहीं लेना है मेरे को, 20 लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को 20 लेना है। क्लियर है? तो मेरे को यहाँ पे एक लाइन बना दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जाऊंगा मैं, जाने के बाद आपको सिंपली कहाँ जाना है, आइसो एंड में जाना है और आइसो सर्कल में जाना है। ठीक है, तो सर्कल में जाके इसकी सेंटर जो है, ये सेंटर पे लूंगा मैं एक कार्व, और यहाँ पे जो इसकी एंड पॉइंट है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। आपको डायमीटर वाला ऑप्शन मैंने दिखाया था, तो डायमीटर डाल के भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, बट रेफरेंस लाइन लूंगे ना, गलती होने का चांस कम होता है। ठीक है, फिर मैं दोबारा लूंगा, दोबारा के लिए हम क्या करेंगे, रिपीट कमांड है तो हम एंटर दबाएंगे। ठीक है, एंटर दबाएंगे, फिर इसके हम क्या करेंगे, आइसो सर्कल लेंगे, उसके बाद जो इसकी सेंटर से ये जो है यहाँ से हम ले लेंगे एक ये 20 का। ठीक है, तो मेरा क्या है, दो सर्कल मैंने बना दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसो सर्कल। आपको जैसे भी सर्कल बनाना होगा इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब ये सर्कल का एंड जो है 60 mm डाउन है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी सेंटर से एक लाइन लूंगा। देखो मेरा लाइन आ नहीं रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, F5 प्रेस करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं कर दूंगा 60। तो आप देखोगे 60 mm पे एक लाइन बन गया है। अब मेरे को इन दोनों लाइन को मैं कॉपी करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला लाइन मेरे को चाहिए। अब मैं इसकी एंड से बनाऊंगा, बात तो एक ही है, या मैं कॉपी कर लूँ। कॉपी करूंगा तो आपको रेफरेंस मिलेंगे, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी करूँगा। कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, CO। ठीक है, आपको कमांड शॉर्टकट ज़्यादा यूज करना है, शॉर्टकट ज़्यादा यूज करोगे तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, आप वहाँ पे भी कॉपी कमांड से भी कर सकते हो। सिलेक्ट करके इस पॉइंट में ओके कर दूंगा, यहाँ से भी आप कॉपी कमांड, जैसे आपके यहाँ पे मॉडिफाई में है तो यहाँ से भी कॉपी कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इस पॉइंट से आपे पॉइंट मिलेंगे, क्वाड्रेंट पॉइंट, और इसकी क्वाड्रेंट पॉइंट में मैं मीट कर दूंगा। एंटर करना है दोबारा, वो कमांड लेना है तो। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा सारा चीजें बन गया है। अब देखो, अब बात क्या होता है, अब यहाँ तक तो बन गया, लेकिन ये वाला कमांड क्या जरूरत है, अभी नहीं है। तो ये जो रेफरेंस लाइन है, इसको आप कलर प्रॉपर्टी दे सकते हो, इसको कलर प्रॉपर्टी दे सकते हो, क्योंकि ये रेफरेंस है। मैं इसको येलो कर देता हूँ, इसको मैं बाद में रिमूव करूंगा, अभी के लिए मैं इसको येलो कर दिया, गलती ना हो। बहुत कुछ कभी कभी कुछ चीज़ आपकी रह जाती है, तो रेफरेंस लाइन भी बनाना होता है। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट आपको इंटरव्यू में बनाने देते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रिपेयर रहना। ठीक है, कभी कभी जैसे आप कंपनी में जाते हो ना, तो आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट दे देते हैं, इसको बनाओ आइसोमेट्रिक में। ठीक है, तो अभी आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें आपका रह जाता है, तो वो चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक अपना हो गया है। अभी अपने को क्या बनाने हैं, देखो अभी हम जो है ये वाला पर्सन जो है बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला पर्सन थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको हम आगे बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सिंपल सा रेस्पॉन्स जो यहाँ पे है, कितना है, 60 mm है, और प्लस कितना है, 60 mm प्लस 15 mm, लगभग हो गया आपका 75 mm का, है ना। 75 mm का यहाँ से एक मैं लाइन लूंगा। ठीक है, F5 दबाना है, 75 mm का एक लाइन ले लिया मैं। क्लियर, इस लाइन को हम हटा देते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो ऐसे जो जो भी है यहाँ पे, आपको क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हो कि 75 mm। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से 30 mm का एक लाइन लूंगा मैं, 30 mm का लाइन लूंगा। F5 दबाना है आपको 30, और सिमिलरली यहाँ से भी 30 आपको। ठीक है, बाद में हम लाइन को ज्वाइन कर देंगे, कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता दूंगा। अब उसके बाद जो है आपको यहाँ से 15 mm आना है। ठीक है, कितना mm, 15 mm। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको 60 mm जाना है, और इसको आपस में कनेक्ट कर देना है।
क्लियर, ये कनेक्शन होना चाहिए, अगर ये कनेक्शन नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से मैं इसको ले आऊँगा 45 mm का FNF5, 45 mm, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम इसको कर देंगे FNF5, इसको ले लेंगे 15 mm का, तो उसके बाद इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, क्लियर है। अब इसको हम बनाएंगे, अभी आप इसको रहने दो, अभी इसको बनाएंगे हम आगे। अब यहाँ के बाद ये जो लाइन है, ये लाइन कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस होके यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है, कहाँ पे सिलेक्ट हो रही है आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं चल रहा है मुझे कहाँ पे कनेक्ट करना है, लेकिन आपको ये वाला लाइन कनेक्ट करना है क्योंकि ये टेंजेंशियल लाइन है, और ये टेंजेंशियल लाइन लेके इसको हम एक्सटेंड कर देंगे ई एक्स, कितना करना है ई एक्स डबल एंतर, ठीक है, एक सेकेंड, ई एक्स एंतर, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंतर करके यहाँ पे जो आपका एक्सटेंड कमांड है यहाँ पे आइसोमेट्रिक में ये काम नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद यहाँ पे इसको हम ये ले देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रिम करना है, ट्रिम करने के लिए टी आर डबल एंटर, ठीक है, डबल एंटर करने के बाद इसको ट्रिम कर देना है, और आपका थोड़ा सा जूम कर लो आप, इसको ट्रिम कर देना है, इसको ट्रिम कर देना है, इसको ट्रिम कर देना है, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो लाइन है इस लाइन को 15 mm ऊपर ले जाना है, हम क्या करेंगे इसको 15 mm जो है ऊपर ले जाएंगे एक लाइन की तरह, तो आपका अभी जो है देखो ये वाला काम हो जाएगा। अब इस लाइन को रखना क्यों है, रेफरेंस के लिए आपको रखना है, ठीक है, हम क्या करेंगे इसको 15 mm जो है ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेने के लिए मैं एक रेफरेंस दूंगा 15 mm का, 15 mm का रेफरेंस दे दिया। अब उसके बाद जो है मैं कॉपी कमांड लूंगा सी ओ एंटर, और उसके बाद जो है इसको सिलेक्ट करके एंटर दबा के इस पॉइंट से जो ये 15 mm है इस लाइन तक ले जाना है, और इस लाइन को जो आपने ये वाला लाइन बनाया था ना ये, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आपको क्लियर हो गया, ट्रिम करके टी आर डबल एंटर, तो इसके बाद इसको इसको सिलेक्ट करने के बाद ये आप हटा दो, और यहाँ पे जो भी आप लाइन देख पा रहे हो इसको भी हम हटा देंगे टी आर डबल एंटर। तो यहाँ पे हल्का सा जो ये लाइन है इसको हम हटा देते हैं, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, इसको भी नहीं चाहिए, ठीक है, अभी रहने देते हैं, हम इसको भी हटा देंगे। अब जैसे ये लाइन है इसको नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट कर दो, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इस लाइन को जरूरत है आपका नहीं है तो इसको डिलीट कर दो, ठीक है, इस लाइन का जरूरत है आपको नहीं चाहिए इसको भी डिलीट कर दो आप। तो यहाँ तक आपका हो गया है, अब हम टी आर डबल एंटर करके इस लाइन को भी हटा देंगे, ठीक है, इस लाइन को भी हम हटा देंगे, इस लाइन को भी हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। तो यहाँ तक आपका बन गया है। उसके बाद जो है मैं सेंटर बनाऊंगा, सेंटर बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 10 mm का है, ठीक है, और 10 mm के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऑफसेट कर सकता हूँ पहली बात, ठीक है, ऑफसेट करूँगा तो मैं ऑफसेट करके भी बना सकता हूँ 5 mm 5 mm की, लेकिन मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक में ऑफसेट नहीं करूँगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा लाइन है यहाँ से जो मेरा लाइन है इसको मैं F5 दबाऊंगा, FNF5 दबाऊंगा, फिर 5 mm कर दूंगा इसको, ठीक है, रेफरेंस लेके काम करना, कभी आपकी गलती नहीं होगा, ठीक है, 5 mm कर दिया इसको मैं, ये आपका क्लिक हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तो कंफर्म करना है, अगर डबल ऐसे गलती होता तो पता लग जाएगा लेंथ 5 mm है। ये क्या करना है अभी उसको, आपको ये यहाँ पर लेके ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कनेक्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे लेके तो भी सिंपली कनेक्ट कर देना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, टी या डबल एंटर, तो इसको मैं यहाँ पे क्रॉप कर दूंगा, तो ये यहाँ पे क्रॉप कर दूंगा, ये वाला, ये भी क्रॉप कर देना है आपको, ये भी क्रॉप कर देना है, ठीक है, और ये जरूरत है आपको नहीं है, ये भी आप हटा सकते हो, ये लाइक दिस एंड दिस डालो आप। उसके बाद जो ये फालतू का ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको आप डिलीट कर दो, और लाइक ये भी आपको डिलीट कर देना है, ठीक है, तो आपका ये बन गया है। अब ये जो लेंथ है ये कितने का है, 45 प्लस माइनस 15, देखो 45 ये है और ये 15 ये माइनस होगा, तो अपने को क्या करना है, यहाँ से FNF5 दबाना है, 30 mm का आना है 30, और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना। देखो कनेक्शन पूरा मिलना चाहिए, अगर कनेक्शन आपको सही तरीके से नहीं मिल रहा है ना तो समझ लो फिर आपकी कोई गलती है,
ठीक है। तो ट्री आर डबल एंटर, एफ एन एफ फाइव दबा के आप कोर्स को सेंस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं इसको लाइक ले आऊँगा नीचे की तरफ, फिर ट्री आर डबल एंटर करके इसको मैं हटा दूंगा। तो ये यहाँ तक मेरा बन गया है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक बन गया। अब मेरे को यहाँ पे सर्कल निकालना है, सर्कल कितना है, 35 डिस्टेंस में है, ठीक है, 35 डिस्टेंस में है और नीचे से 15 mm डाउन है, ठीक है। पहले मेरे को 35 का सेंटर निकालना है, 35 का सेंटर निकालूंगा मैं, तो मैं कैसे निकालूंगा, 35 का आधा हो जाएगा आपका 17.5, ठीक है। तो मेरे को एफ एन एफ फाइव दबाना है 17.5, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसको नीचे ले जाना है मेरे को, तो मैं इसको क्या करूँगा, 17.5 को मैं यहाँ तक सिला ले जाऊँगा। और इस पॉइंट से ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको मुझे एफ फाइव दबा के, एफ एन एफ फाइव दबा के इसको ले जाना है 15 mm नीचे। तो मेरे को सेंटर जो है मिल गया, अब इसको मैं हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, डिलीट, क्लियर है। 16 mm दया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, आईशो सर्कल करूँगा यहाँ पर, कितने का दया है, यहाँ पे जाके आप डायमीटर में क्लिक करके आप कितना डायमीटर डालना है यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, 16 mm डाया का आप सीधा बना दो, ठीक है। आप समझ गए ना, आप डाया वाला जो चीज़ है कैसे बनाना है। और उसके बाद जो यहाँ पे हल्का सा जो वहाँ दिख रहा है ना, इसको हल्का सा जो दिख रहा है, कितने mm डिस्टेंस में है, 35 mm डिस्टेंस में है, तो 35 में ले जाऊँगा मैं। ले जाने के बाद इसको मैं कॉपी कर दूंगा, कॉपी में क्या शॉर्टकट है, CO एंटर है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ले जाना है, क्लिक कर देना है, टी आर डबल एंटर करना है आपको, जो भी आपका हटाना है, जो हटाना बताना वाला काम है उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। अभी आपको ये सेंटर लाइन डालना है, वो कैसे डालना है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक आपको देखो अपना ये बन गया है, यहाँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक मेरे को, ठीक है। तो अब एक चीज आपका रह गया है, क्या रह गया है, 45 है ना ये, मान लो 15 30 mm, तो एक आपको क्या करना है, एक 30 mm की लाइन बनानी है। अब 30 mm की लाइन बनाना है मतलब क्यों बनानी है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों बनानी है। आपको एक 30 mm का हमने एक सर्कल बना दिया, अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी CO एंटर, इसको सिलेक्ट करके एंटर करके मैं यहाँ से सेंटर लेके इसको मैं यहाँ तक ले आया। तो ये लाइन है ना, ये तो बनाना है आपको, ये वाला, इसीलिए बोल रहा था मैं टी आर डबल एंटर, इसको सिलेक्ट करना है और इसको ट्रिम कर देना है, ये ट्रिम कर देना है, और अभी इसको तो जरूरत है ही नहीं, इसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। अब लग रहा है परफेक्ट वाला सीन, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको बनाना है ये वाला साइड में। अब मेरे को एक काम करना है, अब काम क्या करना है, अभी ये वाला पोर्शन बनाना है, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो इस पोर्शन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बाहर का ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा आपको, बाहर का ऑब्जेक्ट मतलब समझ नहीं आया ना, ठीक है, समझा देता हूँ। यहाँ पे सेंटर लेके एक 60 mm का लाइन लेना है, ठीक है। लाइन लेने के बाद आपको एफ एन एफ फाइव दबानी है, दबाने के बाद अब जो आपका है 75 mm में सेंटर है आपका, कितना है 75 mm में सेंटर है, प्लस 23 का रेडियस है, तो कितना डालोगे आप, देखो यहाँ पे यहाँ समझ 75 सेंटर टू सेंटर जो है 75 है ना 75। चलो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, 75 लेके मैं कर देता हूँ 75 mm और इसकी जो ऊपर का थिकनेस है 15 mm का, 15 mm मतलब ऊपर लाना है मेरे को, ठीक है। एंटर कर दिया मैंने 15 mm। अब मैं यहाँ पे सर्कल लेना है मेरे को, ये लेके ऐसे सर्कल लेके आपको कितने का लेना है, डायमीटर जो है कितने का है, एफ एन एफ फाइव दबाना है, कितने का आएगा ये आपका 10 का है और एक 23 का है, अभी रेडियस में है, देखो अब पंगा क्या है, रेडियस में है। हम डायमीटर में क्लिक करेंगे, 23 डायमीटर का कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 46 का हो गया, और छोटा वाला कितने का है 10 का, मतलब कितना का हो जाएगा आपका 10 मतलब आपको कितने का हो जाएगा, आपको कितने का हो जाएगा आपका 10 बोले तो आपका हो जाएगा, एक सेकंड मेरे को एक गड़बड़ लग रहा है, नहीं नहीं ठीक है, दोनों का सेंटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायमीटर में क्लिक करके आपको 20 डाल देना है, ठीक है। तो आपका ये आ गया है। अब उसके बाद जो है इसको मैं कॉपी कर दूंगा, इन दोनों को मैं कॉपी कर दूंगा CO एंटर, उसके बाद जो है यहाँ से लेके मैं इसको यहाँ ले आऊँगा, क्लियर है। किसी को कोई डाउट पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद मैं इसको जो है यहाँ से जाके सिलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ से जाने के बाद
यहाँ पे देखो अभी जो है आपको इसकी जो रेफरेंस में ये लाइन ले जाना है, ठीक है। अब इसकी जो डिस्टेंस होंगे कितना डिस्टेंस में है और आपको ये पता करना है, क्योंकि इसके टेंजेंशियल आपको ले जाना है लाइन। अब टेंजेंशियल लाइन लेके मैं यहाँ पे भी खत्म कर सकता हूँ और आगे भी खत्म हो सकता है, लेकिन पता कैसे चलेगा आपको, है ना। लेकिन पता कैसे चलेगा आपको कहाँ पे खत्म हो रहा है, पता भी लगाना है आपको, लगाना है ना कहाँ पे खत्म हो रहा है वो चीजें। तो इसके लिए एक आपको मैं कमांड बताता हूँ, बढ़िया सा चीजें, मतलब बढ़िया चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इसको जरूरत है नहीं है ना, तो इसको आप डिलीट कर दो, इसका जरूरत नहीं है मेरे को। अब मेरे को एक सर्कल बनानी है जिसका नीचे से जो है ना कितने में 15 mm ऊपर है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ से एक लाइन ले रहा हूँ, ये मेरा सेंटर था ना ये नीचे से, तो नीचे से मैं इसको एक 15 mm ऊपर का FN F5 15 mm ऊपर का एक मैंने वो ले लिया। अब यहाँ पे एक मेरे को सर्कल लगानी है, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, CON तर। क्यों कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ये 15 है, ये वाला काट लगाने के लिए, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ से जो रेफरेंस है, ये जो रेफरेंस है, यहाँ से मेरे को इस तरफ जाना है ना, इस तरफ जाना है, तो मेरे टेंजेंट ही देखना है कि कौन सी टेंजेंट है मेरा। यहाँ पे टेंजेंट आ रहा है मेरा, है ना, लेकिन मेरा तो टेंजेंट ये छोटा है, ये बड़ा है, तो मेरे को इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं कैसे ठीक करूंगा, क्या रेफरेंस लोगे आप, आपको पता अभी लग गया पता, हाँ ये तो गलत बात है, मेरा तो यहाँ पे होगा ही नहीं, है ना, नहीं होगा ना, तो कैसे ठीक करोगे इसको, ठीक है। तो अभी एक देखो कितना बढ़िया तरीका बता दे रहा हूँ, कभी भी ये तरीका करोगे ना फंसोगे नहीं आप। आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस देखना है, क्या है 75 डिस्टेंस में है, इसका डाया अलग है, इसका डाया अलग है ना, तो दोनों डाया तो मिलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी करूंगा, CON तर, क्या करना है मेरे को, कॉपी CON तर, कॉपी किया, बहुत बढ़िया तरीका है, आपको पता होना चाहिए तरीका। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको ले जाऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे ले जाऊंगा मैं, ठीक है, ले गया मैं। बट ये तो अंदर चला गया, ये तो बाहर में है और ये बाहर में है ना, ये तो अंदर चला गया ना आपका। आपको क्या करना है, ये जो तरीका है, अब इसके बाद ये जो आपका, ये देखो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेंगे टेंजेंट पॉइंट, और इसकी एक टेंजेंट पॉइंट मिलेंगे आपको, ये टेंजेंट पॉइंट, ठीक है, दोनों का टेंजेंट पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट मीट हो रहा है ना, इस पॉइंट से इसको एक नीचे लाइन ले लेना है आपको, लाइन ले लिया, और यहाँ से ये जो सर्कल है ना, ये वाला, इसके देखो यहाँ पे एक आपको लाइन मिलेंगी, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे इसके थ्रू और इसके थ्रू एक टेंजेंट लाइन मिलेंगे, बस आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, ट्रिम कर देना है इसको, ट्रिम। और ये तो दोनों सर्कल था ना आपका, ये जो दोनों सर्कल था इसको आप डिलीट कर दो। बताओ कैसा लगा आपको आइडिया, ठीक है, तो आपका ये बन गया, ये जो लाइन था इसको हम कर देते हैं डिलीट, और डिलीट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मेरे को सही है ना, ट्रिम करेंगे इसको, यहाँ पे हटा दो आप इसको, यहाँ पे हटा दो इसको, ठीक है। तो ये मेरा बन गया, कैसे लगा आपको आइडिया, ठीक है, सही था ना, ठीक है। चलो अब ये जो लाइन था, सेंट्रल लाइन को, इसको हमको क्या करना है, सेंट्रल लाइन वाले को मैंने आपको बताया था, हमेशा रेफरेंस लेने के बाद जब रेफरेंस लेते हो तो इसको आप कलर चेंज करके एक पार्टिकुलर कलर करते हो, नहीं तो ये कॉन्फ्यूज करेंगे बाद में आपको। तो एक साइड मेरा हो गया, अब मेरे को दूसरा साइड बनाना है, ठीक है। तो दूसरा साइड के लिए क्या करूंगा मैं, इसी जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइन है, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ मैं, है ना, CON तर, तो मैं कॉपी करूंगा इस पॉइंट से, इसकी जो सेंटर पॉइंट है, मेरे को मिल नहीं रहा है, मेरे को मिल नहीं रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को मुझे कॉपी करना है, क्या करूंगा मैं, तो किस तरीके से कॉपी कर सकता हूँ, एक लाइन लेके कॉपी कर सकता हूँ ना दोस्त, तो डायमीटर मेरे को पता है कितने का डायमीटर का है, 23, मतलब कितना, 46 का, 46 लाइन लेके आप F5 दबा दो ना, अगर आपको रेफरेंस नहीं मिलता है तो, क्लियर हो गया आपके पास, अब ट्रिम कर दो इसको, ठीक है, इसको हटा दो, डिलीट, क्लियर है। अब ये जो लाइन है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये मेरा काम का नहीं है फिलहाल, ठीक है, ये मेरा काम का नहीं है, ये भी मेरा काम का नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया आपको कैसे बनाना है, क्या करना है। अब बात आते हैं आपकी 25 mm का, 25 mm कहाँ से है, सेंटर से है आपका, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन को अभी मैं हटाऊंगा, पहले हम जो है इसको खत्म कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ें है ये चीज़ें पता नहीं है आपको, इस तरीके से आपको इंटरव्यू में मिलती मिलती है, अगर ऑटोकैड के लिए इंटरव्यू जा रहे हो तो,
और दूसरी चीज ऑटोकैड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप मोल्ड डिजाइन भी कर रहे हो या डायरी डिजाइन कर रहे हो, आपकी वाइल्ड कार्ड फाइल बनती है ऑटोकैड में, डिटेलिंग बनती है ऑटोकैड में, तो ऑटोकैड इज कंपलसरी, तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से सेंटर चाहिए, मेरे को सेंटर चाहिए। ठीक है, तो सेंटर चाहिए यहाँ से कितना mm है, 25 mm जो है ये 25 इधर है और यहाँ से 15 mm ऊपर है, तो मैं एक सिंपल से एक लाइन लूंगा यहाँ, सेंटर का ध्यान रखना चाहिए दोस्त। मेरा सेंटर जो है ये स्पेसिफाई पॉइंट सेंटर नहीं है, ये मेरा ये आर्क का सेंटर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रिम करा है मिड लाइन। ठीक है, तो मिड लाइन से मेरे को कितना mm ले जाना है, 60 - 15 45 mm का ना, 45 हो जाएगा ना, क्योंकि 15-50 हो जाएगा, हाँ 45 mm आ गया। मैं देखो करेक्शन सही है, उसके बाद मेरे को जाना है 25 mm का, कितना जाना है 25 mm का, 25 mm आ गया मैं। अब ये जो लाइन है ना, इसका जरूरत है आपको नहीं ना, तो क्योंकि खाली वाली को रखना है, इसको हटा दो ना, ये आप हटा दो इसको। ठीक है, आ गया। अब अपने को करना क्या है, यहाँ से जो है एक मेरे को लाइन लेना है, आपको इधर से नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लोग गलती हो जाएगा, आपको इधर से लेना है। लेने के बाद F5 दबाना है, कितने का है 10 का, तो मैं 5 का इधर रखूंगा, फिर मैं एंटर करूंगा, कमांड जो पहला वाला कमांड है वो आ जाएगा। शॉर्टकट अगर किसी को नहीं पता तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको सारा शॉर्टकट की दे दूंगा ऑटोकैड का, मेरे पास पड़ा हुआ है पीडीएफ, मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, मेरा ये बन गया। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये लाइन सेंटर वाला लाइन जो है, यहाँ से आपको एक रेफरेंस लगानी है, लगा दिया मैंने। अब अपने को करना क्या है, ये जो लाइन है अब इसका काम करने की, इसको डिलीट मार दो, आपको कॉपी मारना है, क्या करना है, कॉपी COPY। तो ये जो मैंने लाइन लगाया था आपके लिए, इसको आपको करना क्या है, यहाँ से सिलेक्ट करके एक तो इधर लाना है, एक आपको इधर दे देना है। क्लियर है, अब आपको एक्सटेंड कमांड लगाना है, एक्सटेंड एंटर, यहाँ पे एक्सटेंड में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ये सिलेक्ट कर दिया, कैसे करना है बता देता हूँ मैं। EX एंटर करा आपने, उसके बाद जहाँ तक ले जाना है उसको सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, फिर जिसको आगे बढ़ाना है उसको सिलेक्ट कर देना है, बस हो गया आपका, आपका काम यहाँ पे हो गया है डिलीट के बाद। ये भी सही है क्या आपको, नहीं चाहिए ना, डबल एंटर, जो जो नहीं चाहिए, जो जो आपका काम का नहीं है एक एक करके डिलीट करते जाओ अंदर अंदर के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक सिंपल लाइन लेना है, यहाँ सिंपल एकदम लाइन लेके इसको ले जाना है, TR डबल एंटर करना है, उसके बाद जो है जो आपको इस काम का नहीं है उसको हटा दो आप। ठीक है, ये भी मेरा काम का नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये मेरा है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना इससे और इसको जो है कनेक्ट कर देना है, बस हो गया आपका। ओ, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है मेरा गायब हो गया, डिलीट कर देता हूँ मैं क्या करूँगा, EX डबल एंटर सिलेक्ट कर दूंगा ऐसे लाइक, फिर TR डबल एंटर। अब देखो ये काम हो रहा है, मतलब ये कनेक्ट नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, EX डबल एंटर करके इसको कनेक्ट करना है, ये आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद इसको हम ट्रिम कर देंगे, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको ट्रिम करना है। यहाँ पे मतलब कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मेरे रेफरेंस को हटा सकता हूँ, अब मेरा जो रेफरेंस होगा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी आपका डिलीट करना होगा। अब इसको जो है आपको कितना लगानी है, ये सर्कल मेरा डायमीटर देखो, क्लिक करके देखना है, गड़बड़ लगता है ना, इसमें क्लिक करके देख लो कितना है, 28 और 16 पॉइंट समथिंग है, तो ये इसमें गड़बड़ है कुछ, क्योंकि तो आपका सेंटर जो है सही नहीं होगा तो कहीं पे ये गड़बड़ हो सकता है। आपको करना क्या है, आपको इसको हटाना है। ठीक है, हटाने के बाद इसको कॉपी कर देना है, COENTER, इस पॉइंट से आपका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, TR डबल एंटर। ठीक है, डन डन, अब आपका जो है काम हो गया। कितने mm था, जो इसका डिस्टेंस 26 mm, 46 mm में करना है।
तो देखो आपका जो है ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरीके से आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना है। अब मेरे को इसकी डाइमेंशनिंग करना है, मैं डाइमेंशनिंग के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सब तरीके से मैंने आपको बता दिया, सबका तरीका भी सिखा दिया हूँ आपको। ये देखो ये जो ये डायरेक्शन होता है ना, एक्स ए बी है ना, ये जो सेक्शनिंग दिखा रखा है, ये व्यू डायरेक्शन दिखा रखा है, इसका भी रिप्रेजेंटेशन होता है। आप इस तरीके से देख रहे हो तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो दोस्तों अभी जो है अपना जो है मेन जो आर्टिकल है वो बन गया है। अभी अपने को डाइमेंशनिंग करना है, ठीक है? तो डाइमेंशनिंग करने से पहले अपने को ये ध्यान रखना है, कोई भी जैसे आप पहले में दिखा रहा था आपको सेंटर लाइन कैसे करना है। तो आप सेंटर लाइन के लिए आप जो है एक सेंटर लाइन का ऐसे ऐसे भी बना सकते हो। जैसे ये मैंने यहाँ पे ओरिजिनल है, इसको एक बार मैं देखूंगा सेंटर लाइन के लिए थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, तो इसको जो है मैं 12 का कर दूंगा, ठीक है? ठीक, तो मैं दिखा रहा था कैसे करना है आपको, ठीक है? यहाँ पे भी हम जो है 12 का कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे 12 का mm का जो है, आप इसको जो है आप बना भी सकते हो, पहले भी बना के रख सकते हो, आप अपना लाइब्रेरी बना सकते हो, अपना लाइब्रेरी भी बना सकते हो, बेस्ट है। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप अपना लाइब्रेरी बना लो, सबसे बेस्ट तरीके से बेस्ट है। तो यहाँ पे हम इसको 12 mm कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 12 12 कर दिया है, सबको सिलेक्ट करेंगे, मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, जाने के बाद जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में है, यहाँ पे आर्डर में जाऊंगा मैं, ठीक है? और आगे जाने के बाद यहाँ पे लोड ले सकते हो। लोड लेके आपकी देखो क्या है, डैश लाइन चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए ना। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे आप किसकी सेंटर लाइन कौन सी है, जैसे क्या है सेंटर लाइन है, ठीक है? तो इसको हम ओके करेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे। उसके बाद जो है हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी अपने सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया था तो वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने तो सिलेक्ट कर लिया लेकिन आया नहीं, आया इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रॉपर्टीज है इसको कम करना पड़ेगा। इसको 0.1 कर देता हूँ मैं, इसको मैं 0.1 कर देता हूँ, ठीक है? इसको ओके कर देता हूँ मैं। अब देख पा रहे हो अब जो है आपकी सेंटर लाइन आ गया है। तो इसी तरीके से आपको सेंटर लाइन बनाना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। इसके अगर डिस्टेंस कम करना है तो वो भी कम कर सकते हो आप। अब आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में हम डायमेंशनिंग कैसे करते हैं? डायमेंशनिंग करने के लिए आपको यहाँ पे जाके आपको लीनियर नहीं लेना है, आपको एलाइन डायमेंशन लेना है। एलाइन डायमेंशन में मैं आपको किसका दिखा देता हूँ, पहले मैं इसका दिखा देता हूँ आपको, ये और ये आप देख पा रहे हो 60 का है। लेट से मेरा डायमेंशन छोटा आ रहा था तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डी एंटर करूंगा, डायमेंशन स्टाइल आता है। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं मॉडिफाई में जाऊंगा। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे आपको 2.5 2.5, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 0.1 के अराउंड होता है, आपको 2.5 या 3 कर देना है। लेट्स से मैं इसको 3 कर देता हूँ और जो इसकी मार्क है वो भी मैं 3 कर देता हूँ, और टेक्स्ट जो होगा ये भी मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो हल्का सा डायमेंशन बड़ा हो गया है। अब उसके बाद जो है दूसरा डायमेंशन करूंगा मैं। एक तरीके से आपको मैं पहले दिखा देता हूँ क्या करना है, फिर मैं दोनों डायमेंशन को ठीक करके आपको दिखाऊंगा। डायमेंशन लेते समय ये ध्यान रखना है कि आपका सेंटर पॉइंट टू पॉइंट रहे, ठीक है? तो यहाँ पे देख पा रहे 45 है, ये डायमेंशन परफेक्ट है क्योंकि ये वर्टिकली अलाइन है, ठीक है? लेकिन ये वाला देखो ये वाला सही नहीं है, ये वाला कैसा है, टिल्ड होना सही है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कमांड आता है डी आई एम ई ई, उसके बाद आपको ई लिखना है, टाइम आ जाएगा आपको, मतलब डायमेंशन एडिट, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑब्लिक को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करना है। तो मैं इसको -30 डिग्री कर दूंगा तो ये टिल्ट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है? तो अभी देखो अभी इसके डायमेंशन भी परफेक्ट है, ठीक है? लेकिन अभी देखोगे आप इसके डायमेंशन इस तरफ होना चाहिए था, है ना? मैं अगर इस तरफ करना था, जैसे यहाँ पे देखोगे ये 45 टिल्ट है, तो इसके लिए भी मैं एंटर करूंगा, डायमेंशन एडिट में जाऊंगा, ऑब्लिक में, ऑब्लिक में जाने का सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा -30 डिग्री। देखो ये भी परफेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है। अब एक आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ मैं। दूसरा तरीका क्या होता है आप एक बार देखोगे समझ में आएंगे दूसरा तरीके से क्या करना है। ये लाइन जो है, ये लाइन और आपका जो ये लाइन है, ये कुछ है 25.45, बट मेरा क्यों 25.45 क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑफसेट है, आपको सेंटर टू सेंटर दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा डायमेंशन दिखाता हूँ तो आपको फिर मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो है ये वाला सेंटर ले लिया मैंने और ये वाला ले लिया। अब इसमें दिखाता हूँ मैं, ये क्या आ रहा है 15 डिग्री आ रहा है, ठीक है? ठीक है, तो मैं इसमें डी आई एम ई डीम एडिट, आपको डीम एडिट में जाना है, ये डायमेंशन में जाना है। अब रोटेट में जाता हूँ, रोटेट में जाने के बाद मैं इसको 30 डिग्री रोटेट कर दे रहा हूँ। अब डायमेंशन को सिलेक्ट करूंगा मैं, यहाँ पे एंटर कर दूंगा, तो ये देखो ये मैं टेक्सचर को भी घुमा सकता हूँ, घुमा सकता हूँ ना। अब मैं जाऊंगा दोबारा से डायमेंशन एडिट में जाऊंगा, ओब्लिक में जाऊंगा, डायमेंशन को सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, 30 डिग्री कर दूंगा, तो ये डायमेंशन इस तरीके से भी मैं अलाइन कर सकता हूँ। क्लियर है?
DIM, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। DIM में जाना है आपको, रोटेट में जाना है। उसके बाद अगर आपको -30 डिग्री में ले जाना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपको इसको सिलेक्ट करके कर दबा देना, तो ये डायमेंशन इस तरीके से हो जाएगा। बहुत सारा ऑप्शन है आपको, मैं समझ गया हूँ किस तरीके से आपको इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करना है, बहुत ही ईजी है। और इसमें आपको हमेशा व्यू डायरेक्शन, जैसे आपके एक्स है वो डायरेक्शन हमेशा शो करना है, तो वैसे शो करोगे तो सारा दृश्य सही हो जाएगा आपको। आई होप आपको समझ में आ गया है, कुछ कुछ मैंने आपको तरीका बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑटोकैड में भी ड्राइंग बनाना, क्योंकि आप ऑटोकैड में सही तरीके से ड्राइंग बनाते हो, इन फ्यूचर आपको बहुत काम आएंगे, है ना। इस तरीके से ऑब्जेक्ट मिलता है कि इसको आइसोमेट्रिक में बनाओ, तो आप लोग क्या करते हो, लाइन लेके बनाते हो, सर्कल सही से नहीं बन पाती है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरीके से बनाओगे तो आपकी जो भी इंटरव्यू वगैरह होगा वहाँ पे भी सही रहेगा। और इस तरीके से आपको आइसोमेट्रिक व्यूज वगैरह बनाना पड़ता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए आइसोमेट्रिक हम व्यू बना के देते हैं। तो अगर आपके पास आइसोमेट्रिक नहीं है तो डायमेंशन के थ्रू बनाना होगा, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो आज तक का वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।